डेटा स्ट्रक्चर की क्लास में आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ साथ नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने स्टैक और क्यू, ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, तो आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे। क्योंकि स्टैक और क्यू, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस के थे। इसका मतलब होता है कि हम जब भी स्टैक और क्यू के साथ काम करते हैं तो हमें मेमोरी को पहले इनिशियलाइज कर देना होता है। जैसे कि हम लोग इसमें करते थे क्यू साइज, स्टैक साइज, अथवा दोनों में कॉमन वर्ड था मैक्स साइज। तो उसी में हम लोग जब मेमोरी स्पेस डिफाइन करते थे तो फिर हम उसे रन टाइम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते थे। माना कि हमने 5 एलिमेंट्स इंसर्ट किए हैं, उसके लिए हम मेमोरी डिफाइन कर लिए हैं, तो यदि हम उस पर 2 एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं जो, तो 3 मेमोरी जो बचती है वो हमारे किसी काम की नहीं रहती है। आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं और अब हम डायनेमिक रूप से मेमोरी को एलोकेट करेंगे। अर्थात अब हम अपनी आवश्यकता के अनुसार स्पेस ग्रो अथवा सिंक, मतलब कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि हमें लिंक लिस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अरे कैन बी यूज टू स्टोर लीनियर डेटा ऑफ सिमिलर टाइप्स, मतलब अरे में जो भी डेटा हमें स्टोर करना होता था वो सिमिलर टाइप्स का होता था और एक सीक्वेंस में स्टोर होता था। बट अरेज हैव द फॉलोइंग लिमिटेशन, लेकिन अरे की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी। उन लिमिटेशंस को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए हमें लिंक लिस्ट की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहली लिमिटेशन है द साइज ऑफ द अरे इज फिक्स्ड। ये आप सब जानते हैं कि जो अरे की साइज होती है वो फिक्स्ड होती है, क्योंकि जब हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल का मतलब होता है जब हम प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं, उस समय हम अरे को डिफाइन कर देते हैं। जो भी वैल्यू हमें चाहिए उसे हम क्या कर देते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं। सो वी मस्ट नो द अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एडवांस। तो हमें इसमें क्या फ़ायदा मिलता था कि मैक्सिमम हम इसके ऊपर कितने एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैंने क्यू या स्टैक की साइज 5 दी है तो मैं उसमें 5 एलिमेंट ही इंसर्ट कर सकता हूँ। आल्सो जनरली द एलोकेटेड मेमोरी इज इक्वल टू द अपर लिमिट इन रिस्पेक्टिव ऑफ द यूसेज, मतलब हमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से जो अपर लिमिट होती थी वो मेमोरी को एलोकेट हो जाती थी। और जब मेमोरी को एलोकेट, जैसे कि देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा, माना ये मेरे पास एक स्टैक वो अरे है, ये भी एक अरे है, लेकिन ये स्टैक के लिए है। और ये क्यू के लिए है।
0 1 टू थ्री और ये फोर। इसी तरह से इसमें भी 0 1 टू थ्री और फोर। अब इसकी जो मैक्स साइज है वो दोनों की कितनी है, 5 है। मीन्स इस ये हमें पहले से निश्चित हो जाता है। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन है इंसर्टिंग ए न्यू एलिमेंट इन एन अरे ऑफ द एलिमेंट इज एक्सपेंसिव। मतलब जब भी हम अरे में कोई एलिमेंट्स नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो वो एक्सपेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द रूम हैज़ टू बी क्रिएटेड फॉर द न्यू एलिमेंट एंड टू क्रिएट रूम एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैव टू बी शिफ्टेड। क्योंकि हमारे पास जो रूम होता है, रूम मीन्स जो हमने साइज डिक्लेयर कर रखा है, तो वो साइज पहले से फिक्स है कि हमारा पहला एलिमेंट 0 पे जाएगा, 1 में जाएगा, दूसरा तीसरा 3 में जाएगा, चौथा 4 में जाएगा, पांचवा 5 पे जाएगा। ये पहले से हमें वो रूम पहले से निश्चित हो जाते हैं। तो ये लिमिटेशंस थी अरे की। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसे हम लोग लिंक लिस्ट के नाम से जानते हैं, जो ये ऊपर दी हुई दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। कैसे, आइए देखिए। ए लिंक्ड लिस्ट इज ए डायनेमिक एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। मतलब लिंक लिस्ट क्या है, ये भी एक ये डायनेमिक टाइप का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। डायनेमिक मैंने बताया आपको, डायनेमिक का मतलब होता है कि हम अपनी मेमोरी को अपनी सुविधा के अनुसार इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इन विच द एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड एट द कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। इसमें जैसे कि स्टैक और क्यू में क्या होता था, एक के बाद एक, एक के बाद एक एलिमेंट इंसर्ट करने की जरूरत पड़ती थी। लिंक लिस्ट में ऐसी कोई जरूरत नहीं कि एक जैसे मेमोरी को लोकेशंस को एलोकेट करना, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कहीं पर भी एलिमेंट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो अभी आगे चल के हमको पता चलने वाला है। या इसको देखें तो डेटा के लीनियर कलेक्शंस को हम सामान्य जीवन में लिस्ट कहते हैं। जो लीनियर कलेक्शन होता है, किसी भी लिस्ट में एक या एक से अधिक डेटा आइटम हो सकते हैं। हम हमारी आवश्यकता के अनुसार नए आइटम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और किसी भी आइटम लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं या किसी आइटम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल बता दूं, आप लिस्ट बनाते हैं, अपने घर से किराने की दुकान पे जाना है और आप लिस्ट बनाते हैं, तो आप एक बार लिस्ट बनाने के बाद वो लिस्ट कांस्टेंट नहीं हो जाती, उसे आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार आपको उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं या किसी भी साइज को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये सारा काम हम लिंक लिस्ट में एक घरेलू एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं। अब लिंक लिस्ट को उन वस्तुओं के कलेक्शन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिन्हें हम नोट्स कहते हैं, जो मेमोरी में रैंडमली स्टोर होते हैं। इस देखिए, अभी तक हमारे पास क्या था, एक स्टैक था, दूसरा क्यू था। तो हम क्या करते थे, ये हमारा क्यू है और ये हमारा स्टैक है। लेकिन यहां पर एक नया शब्द आया, नोड। तो नोड जो होता है बेसिकली वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला पार्ट इसका होता है इन्फो, और दूसरा पार्ट होता है लिंक। ठीक, तो ये जो है ये पार्ट इसका कहलाता है
इन्फो, और ये पार्ट आपका कहलाता है लिंक। मींस यहां पर क्या रखते हैं आप, आइटम। ये आइटम रखा जाता है, जैसे कि यहां पर लिखते हैं ना हम लोग 10, 20 या ए बी, तो इसी तरह से हम इसमें मान लीजिए रखा ए, ठीक है। और जो लिंक पार्ट होता है, लिंक पार्ट एक्चुअल में क्या होता है, अब जैसे इसमें 10 एलिमेंट्स है, अब 20 एलिमेंट्स स्टोर है, लेकिन अगर मुझे इसमें 20 स्टोर करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक नोड और बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने इसमें स्टोर किया बी और इससे इसको कनेक्ट कर दिया, और आखिरी वाला चूंकि इसके बाद अगर नहीं होगा तो यहां पर क्या, या तो क्रॉस लगा होगा या फिर इसको यहां पर नल लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं नल। तो ये हमारा क्या कहलाता है, नोड कहलाता है, ये हमारा नोड। यहां पर हम इसको स्टैक फ्रेम बोलते थे, ये क्यू फ्रेम था, और ये यहां पर नोड यूज किया जाएगा। तो देखिए, और एक नोड में दो फील्ड होती है, मैंने भी बताया आपको, मींस उसमें एक तो डेटा का होता है, दूसरा पॉइंटर का होता है। एक फील्ड किसकी होती है, पॉइंटर, और दूसरा होता है डेटा, आइटम जिसको बोलते हैं। ये देखिए, यहां पर लिस्ट के अंतिम नोड में नल पॉइंटर होता है, मतलब अंतिम नोड का मतलब मैंने बताया अभी भी आपको कि जो लिस्ट, जैसे लिस्ट का अंतिम है वो, उसके बाद कोई नोड नहीं हमको ऐड करना है, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, नल, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया डेटा और ये हो गया पॉइंटर, ठीक है, नए एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए। देखिए नोड क्या होता है, इन्फो प्लस लिंक, मतलब इंफॉर्मेशन पार्ट और लिंक पार्ट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, नोड। अब यहां पर ए ए जो लिखा हुआ है, ये ए ए मेरा क्या है, ये ए ए जो है आपका ये ए आपका डेटा है, जो डेटा आप इसके ऊपर स्टोर करेंगे, और ये उसका एड्रेस है, किसका, नेक्स्ट का, यहां पर जो नया नोड ऐड किया जाएगा। अब लास्ट नोड में नल होगा, और इसमें मान लीजिए बी बी रख दिया, ठीक। तो अब ए नोड इज ए कलेक्शन ऑफ टू सब एलिमेंट्स आर पार्ट्स, मतलब नोड दो एलिमेंट्स का या पार्ट्स का कलेक्शन है। कौन कौन से, ए डेटा पार्ट दैट स्टोर्स द एलिमेंट्स, मतलब जो डेटा पार्ट्स ये पार्ट, और दूसरा नेक्स्ट पार्ट द स्टोर द लिंक टू द नेक्स्ट नोड, मतलब ये लिंक जो नेक्स्ट नोड को स्टोर कर रही है, इसे हम लोग नोड बोलते हैं। ये देखिए, ये एक लिस्ट है मेरे पास, ये सबसे पहला नोड, इसको हेड बोलते हैं यहाँ पर, ये जो सबसे पहला नोड होता है उसको हेड बोला जाता है। ये डेटा है और ये नेक्स्ट, ये पॉइंटर है, ये देखिए इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चूंकि इसके बाद नहीं है तो यहाँ पर नल, यह तो मैं क्रॉस का चिन्ह लगा दूं, या नल। अब जैसे इसको मैं एग्जांपल के रूप में बता दूं, आप रेलवे में ट्रेन देखा होगा, ट्रेन के लास्ट डिब्बे में क्रॉस का चिन्ह रेड बना रहता है, मतलब इसके बाद इसमें नया नोड। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्रेन के डिब्बे, ये आपका इंजन हो गया, ये सब डिब्बे हो गए। अब ये लास्ट में डिब्बे में क्रॉस लगाओ, मतलब इसके बाद अब इसमें कोई डिब्बे जुड़े हुए नहीं है, और ये सभी डिब्बे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब बात आती है लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस क्या हैं।
तो पहला एडवांटेजेस है दे आर ए डायनेमिक इन नेचर विच एलोकेट द मेमोरी व्हेन रिक्वायर्ड। ये डायनेमिक है, डायनेमिक में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डायनेमिक का मतलब होता है हम अपनी सुविधा अनुसार उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और जितनी हमें मेमोरी की आवश्यकता होगी उतनी मेमोरी इसमें यूज की जाएगी, और उसके अलावा हमें बार बार मेमोरी स्पेस कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी ईजिली इम्प्लीमेंटेड, मतलब इसमें इंसर्ट करना और डिलीट करना ये जो ऑपरेशन होता है बहुत ही आसान होता है बिहाफ ऑफ द स्टैक और क्यू। स्टैक एंड क्यू कैन बी ईजिली एग्जीक्यूटेड, अगर हम चाहें तो स्टैक और क्यू को भी इसके साथ ए लिंक लिस्ट के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लिंक्ड लिस्ट रिड्यूसेस द एक्सेस टाइम, मतलब लिंक लिस्ट में क्या होता है एक्सेस टाइम क्या होता है कम होता है बिहाफ ऑफ द स्टैक और क्यू। अब डिसएडवांटेजेस है इसके लिंक लिस्ट के, पहला डिसएडवांटेज है द मेमोरी इज वेस्टेड एज पॉइंटर रिक्वायर एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर स्टोरेज। अब देखिए दो नोड होते हैं तो अब हमें एक ही एलिमेंट को स्टोर करने के लिए दो उसकी आवश्यकता पड़ती है। देखिए यहां पर दिखा रहा हूं मैं आपको, ये एक तो ये मेमोरी स्पेस आपका हो गया एक मेमोरी स्पेस है, और यहां पर देखिए एक एलिमेंट्स के लिए एक ही मेमोरी स्पेस होगा, तो ये थोड़ा सा यहां पे इसमें डिसएडवांटेज के रूप में भी इसको देखा जा सकता है, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज है इसका नो एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली, मतलब इसमें हम एलिमेंट्स रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब कहीं से भी कहीं एक ही सीक्वेंस से हमें डेटा एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ेगा। इट हैज टू एक्सेस ईच नोड सीक्वेंसली, मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस प्रत्येक नोड को हमें एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है, ये दूसरा डिसएडवांटेज। तीसरा डिसएडवांटेज रिवर्स ट्रेवर्सिंग इज डिफिकल्ट, मतलब रिवर्स ट्रेवर्सिंग का मतलब भाई हम, मैं इसको इस तरह समझाऊं आपको, मान लीजिए मेरे पास नोड है, अब मैं यहां हूं, इसके बाद मैं यहां चला जाऊं, फिर मैं वापस अगर यहां आना चाहूं तो नहीं आ सकता हूं, रिवर्स मोड पे नहीं आ सकता, मुझे आगे ही जाना पड़ेगा। जैसे ट्रेन के डिब्बे में एक इस डिब्बे में चला गया, इस डिब्बे में चला गया, अगर काश यहां पर डिब्बा बंद है, ये डिब्बा बंद हो जाए तो मुझे, मैं नहीं क्या नहीं कर सकता, मैं रिवर्स इसमें नहीं जा सकता हूं, ठीक है। तो इसमें तीसरा इसका डिसएडवांटेज है कि मैं ट्रेवर्सिंग जो है इसकी रिवर्स ऑर्डर पे नहीं की जा सकती है, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट के कितने एप्लीकेशंस हैं या कितने एप्लीकेशंस होते हैं, तो पहला एप्लीकेशन है इसका लिंक्ड लिस्ट आर यूज टू इंप्लीमेंट स्टैक क्यू और ग्राफ। लिंक्ड लिस्ट का जो प्रयोग हम करते हैं स्टैक के लिए करते हैं, क्यू के लिए करते हैं, और ग्राफ को करने के लिए। ग्राफ क्योंकि अभी हमने नहीं पढ़ा है, ग्राफ हमारा पांचवी यूनिट्स में, तो जब हम ग्राफ में पहुंचेंगे तो ग्राफ के बारे में बात करेंगे। आप स्टैक और क्यू तो पढ़ ही चुके हैं, तो मैं इनका इंप्लीमेंटेशन आपको लिंक लिस्ट के साथ बताऊंगा, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन है लिंक लिस्ट लेट यू इंसर्ट एलिमेंट एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द लिस्ट, मतलब मैं इसमें एलिमेंट्स शुरुआत में भी इंसर्ट कर सकता हूं और अंत में भी एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकता हूं। इन लिंक लिस्ट वी डू नॉट नीड टू नो द साइज इन एडवांस, हमें लिंक लिस्ट में सबसे बड़ी बात है जैसे स्टैक और क्यू में हमें साइज को एडवांस में रखना पड़ता था, तो इसमें साइज जैसे वहां करते थे ना स्टैक साइज क्यू साइज, तो यहां पर हमें साइज को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, हमें जितनी आवश्यकता पड़ती जाएगी उतने नोड हम बनाते जाएंगे। अब बात आती है टाइप्स ऑफ द लिंक लिस्ट, तो जो लिंक लिस्ट है वो भी फोर टाइप्स की है, ठीक है। तो द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ द लिंक लिस्ट, पहला है सिंगली लिंक लिस्ट, सबसे पहली लिंक लिस्ट है हमारी सिंगली लिंक लिस्ट, दूसरी है हमारी डॉबली लिंक लिस्ट, तीसरी है हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट, और आखिरी है हमारी डॉबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो फोर टाइप्स की हमारे पास लिंक लिस्ट होती हैं, पहला सिंगली लिंक लिस्ट, दूसरा डॉबली लिंक लिस्ट, तीसरा सर्कुलर लिंक लिस्ट,
और आखिरी में डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो चूंकि ये पहला नंबर हो जाता है, हम पहले सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। डब्ल्यू के बाद सर्कुलर लिंक लिस्ट और चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट। कुछ लोग क्या करते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट को पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद सर्कुलर लिंक लिस्ट को पढ़ लेते हैं, इसके बाद डब्ल्यू लिंक लिस्ट को पढ़ते हैं, फिर सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट को पढ़ते हैं। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार इसके सीक्वेंस को अप और डाउन कर सकते हैं, मतलब। लेकिन सबसे पहले हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट ही पढ़ेंगे, क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट से हमें एक्चुअल में ये पता चलता है, जैसे हमारी सर्कुलर क्यू थी ना, सेम एज द सिंगली लिंक लिस्ट। बस अंतर इतना है कि सर्कुलर क्यू में हम क्या करते थे, हमारे पास जो आइटम, सॉरी सिंपल क्यू में हमारे पास जो आइटम जाते थे एक सीक्वेंस में जाते थे, और इसमें सिंगली लिंक लिस्ट में प्रत्येक नोड में एक सीक्वेंस में ही एलिमेंट्स जाएंगे। लेकिन हम सीक्वेंस के साथ साथ क्या कर सकते हैं, बिगिनिंग में भी ऐड कर सकते हैं और एंड में भी ऐड कर सकते हैं। और इस कभी कभी तो ये भी है, अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आप स्पेसिफाइड पोजीशन पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको आगे बता रहा हूं। जैसे मेरे पास ये नोड है, ठीक है, तीन नोड की एक लिस्ट है मेरे पास, क्योंकि आखिरी भी इसके बाद है, तो मैं नल लगा दूंगा और ये इसको अटैच कर दिया और इससे इसको अटैच कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी इंसर्ट कर सकता हूँ और यहाँ पर भी इंसर्ट कर सकता हूँ, और अगर मुझे आवश्यकता पड़े तो इन दोनों के बीच में भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। ये हमारी स्पेसिफिक पोजीशन कहलाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, हम लोग नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगली लिंक लिस्ट। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर डिस्कस करिए, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ने में मजा नहीं आता है, ठीक है। तो मैं कल की क्लास में देखूंगा सिंगली लिंक लिस्ट। थैंक यू।